निजी स्कूलों को आईएसबीएन नंबर की किताबें पाठ्यक्रम में लागू करने की अनिवार्यता नहीं है। स्कूल बिना आईएसबीएन नंबर की किताबें भी पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शाला संचालकों को किसी भी किताब को पाठ्यक्रम में शामिल करने के पहले देखना होगा कि उस किताब की कंटेंट क्या है, उसकी खूबियां क्या है, इसके साथ ही उसकी कीमत और उपलब्धता को भी ध्यान में रखना चाहिए तथा अगले शैक्षणिक सत्र में लगने वाली किताबों की जानकारी सितंबर माह तक सूचना पोर्टल पर चस्पा कर देना चाहिए। कलेक्टर ने बैठक में स्कूल संचालकों से कहा है कि उन्हें वह ध्यान रखना होगा कि वे इस व्यवसाय से सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए हैं। यदि उनकी संस्था में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ आय भी बढ़ेगी। लेकिन यूं हो रहा है, ज्यादा मुनाफा बनाने के चक्कर में निजी स्कूल प्रबंधन आपराधिक श्रेणी में आने वाले कृत्यों से भी लिप्त हो जा रहा है, इससे सभी को बचना चाहिए। श्री सक्सेना ने बैठक में निजी स्कूल संचालकों से स्कूलों को बंद, कलेक्टर ने बैठक में स्कूल संचालकों से कहा कि उन्हें वह ध्यान रखना होगा कि वे इस व्यवसाय से सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए हैं। यदि उनकी संस्था में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ आय भी बढ़ेगी। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। ये स्कूल संचालकों को काफ़ी सारी भ्रांतियाँ थी प्रशासन की कार्रवाई के बारे में। उन कार्रवाइयों के बारे में हम किस तरीके से जांच कर रहे हैं, क्या क्या समझ के कर रहे हैं, किन बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं, उसके बारे में उनको डिटेल में हमने जानकारी दी और स्कूल के संचालकों से हमने अपेक्षा की है कि यदि मान लो किसी तरह की त्रुटियाँ उनसे हुई हैं तो उनको सुधार लें। और मुझे लगता है बहुत सकारात्मक वातावरण में, बहुत पॉजिटिव वातावरण में आज चर्चाएँ हुई हैं। उन्होंने प्रशासन की बातों को समझा है, उनकी तकलीफों को उन्होंने देखा है और मुझे लगता है दोनों मिलकर बात करेंगे तो समस्या का समाधान होगा। वो स्कूल के जो संचालक लोग हैं उनका जो एसोसिएशन है वो आपको बता पाएंगे इसके बारे में।